सब्सक्राइब ज्ञान थेरेपी, प्रेस बेल आइकन एंड डोंट मिस अपडेट्स। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान थेरेपी पर। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने 3G फ़ोन में 4G इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से ये किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों अगर आपके पास एक 3G फ़ोन है और अगर आप उसमें 4G सिम इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे वो जियो का हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो वोडाफोन या किसी भी कंपनी का, अगर आप 4G सिम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ तरीके आपको अपनाने होंगे। इस तरह के कई चीज़ों की जानकारी आपको यूट्यूब पर, इवन google.com पर भी आपको मिल जाएगी, जिसमें कई तरीके बताए गए हैं और कई तरीकों में ये करके भी दिखाया गया विद प्रूफ के साथ। आपको प्ले स्टोर पर हज़ारों ऐसी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जिसमें ये तरीका दिखाया गया कि आप उन एप्लीकेशंस की मदद से 3G फ़ोन में 4G सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 3G फ़ोन और 4G फ़ोन के जो बैंडविड्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। 4G फ़ोन का जो बैंडविड्थ होता है वो 3G फ़ोन के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो ज़्यादा सिग्नल को कैरी कर सकता है, 3G ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ तरीके बताए जाते हैं जिनकी मदद से आप 3G फ़ोन में ये चीज़ कर सकते हैं। दोस्तों सभी 4G फ़ोन की जो बैंडविड्थ होती है वो 3G फ़ोन के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो ज़्यादा बैंडविड्थ वाले सिग्नल को कैरी कर सकता है। ऐसा हार्डवेयर बनाया जाता है फ़ोन के अंदर जो कि ये काम आसानी से कर सके। 3G जो फ़ोन होता है वो 4G के बैंडविड्थ को लेके नहीं चल सकता, लेकिन जो 4G का फ़ोन होता है वो 3G 2G सभी बैंडविड्थ को कवर कर सकता है। तो जो 3G का फ़ोन होता है उसमें 4G का बैंडविड्थ सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब सीधा ये होता है कि हम 3G फ़ोन में 4G को नहीं चला सकते, चाहे वो कोई भी तरीका आपको दिया गया हो, चाहे वो आपके पास रूट का तरीका दिया गया हो, चाहे कई ढेरों एप्लीकेशंस दी गई हो या और भी तरीके दिए गए हों, किसी भी तरीके से ये करना पॉसिबल नहीं है। आपको ये जो चीज़ें बताई जाती हैं ये गलत बताई गई हैं। YouTube पे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, वो वीडियोस इसलिए बनाई जाती है सिर्फ चंद व्यूज़ क्या कहना चाहूँगा मैं, लाखों व्यूज़ उनको मिल जाते हैं। वो व्यूज़ पाने के लिए वो लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं और रोज़ाना मैं खुद देखता हूँ उन वीडियो को कि उनकी जो व्यूज़ है दिन पे दिन बढ़ते हैं। इसका मतलब लोग उनको देखते हैं और लोग कोशिश भी करते होंगे लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता होगा और सिर्फ निराशा लगती होगी। तो एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, वो सभी वीडियोस झूठी हैं, आप उन पर विश्वास ना करें। इसका सिर्फ एक ही सिंपल तरीका है कि अगर आपको 4G फ़ोन में 4G सिम इस्तेमाल करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने बजट के अनुसार एक 4G फ़ोन खरीद लें। आजकल हर बजट में 4G फ़ोन आसानी से आपको मिल जाता है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का ख्याल मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि मेरे ही एक जानकार ने मुझसे पूछा कि ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसने वीडियो देखी कई यूट्यूब पे, उसने कहा ये ऐसे पॉसिबल है। तो मैंने उन वीडियोस की जांच करी और वो पता भी लगाया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ कभी नहीं हो सकती। तो मुझे लगा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए और आपको इस चीज़ के बारे में बताया जाए। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए ये ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। और अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।